back to our English class. Today we are going to learn our book exercise. Our question one is make sentences from the table. यहाँ पे हमें जो table दिया है उसमें से हमें sentences बनाने हैं. तो I, we, you, he, she, they और boys का use करना है और हमें यहाँ पर sentences बनाने हैं. तो first हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमें I दिया है तो I, फिर यहाँ पे दिया है shall, तो shall go home now. Then number two में क्या बनेगा, यहाँ से हमें be लेना है तो be, फिर वहां से shall go home now. Then third sentence you, यहाँ से हम you लेंगे, you will go home now. तो you will go home now. Then he, तो number four में हम he लेंगे, फिर यहाँ से will, तो he will go home now. Then number five में क्या लेंगे हम, यहाँ से she, तो she will go home now. Then क्या आएगा यहाँ पर, they है, तो number six क्या बनेगा, they, they से हम start करेंगे sentence, they will go home now. Then last number क्या दिया है, boys, तो boys will go home now. हमें हमारे क्वेश्चन टू में दिया है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चंस भी बनाने हैं. ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं तो उसके हमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बनाने हैं, तो हम यहाँ से क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बना देंगे. तो हमें क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है वो बनाना है, तो क्या करेंगे, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा और हमने विल और शैल जो लिखा है नेमिंग वर्ड के बाद, ये हमें सारे प्रोनाउन दिए तो प्रोनाउन के बाद हमने लिखे, तो पहले हम विल और शैल से स्टार्ट करेंगे और फिर ये प्रोनाउन लिखेंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, शैल आई ओ होम नाउ, और पीछे क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है. क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क इम्पोर्टेंट है, ये लगाना ही है, तो एग्जाम में हमारे मार्क्स भी उससे कर सकते हैं. फिर शैल वी गो होम नाउ, यहाँ पर पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाए. देन हमने यहाँ पर था यू विल, तो यहाँ से विल यू से स्टार्ट करेंगे, विल यू गो होम नाउ. देन हमने ही विल लिखा था सेंटेंस में, तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, विल ही से स्टार्ट करेंगे, तो विल ही गो होम नाउ. देन शी विल लिखा था हमने, तो विल शी लिखेंगे यहां पर, विल शी गो होम नाउ, नीचे क्वेश्चन आ रहा है. देन दे विल हमने लिखा था, तो यहां क्या लिखेंगे, विल दे लगाना है, वो हमें याद रखना है. और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्वेश्चन थ्री, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म.
हमें ये जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको हमें नेगेटिव फॉर्म में लिखना है और नेगेटिव के शॉर्ट फॉर्म हमें यूज करना है. तो फर्स्ट वन द हेयर विल रन अ रेस. तो हमें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो वेल का शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? द हेयर वॉन्ट रन अ रेस. देन नंबर टू इज यू शुड गो टू योर ब्रदर. तो यहाँ पर भी हमें नेगेटिव बनाना है तो यू शुड नॉट गो टू योर ब्रदर हो जाएगा और उसका हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करना है. तो क्या करेंगे? यू शुडंट गो टू योर ब्रदर. देन नंबर थ्री इज मोहन कैन रन फास्ट. तो नॉट कहाँ लगता है? कैन के बाद हम डॉट नॉट लगाएंगे और हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो मोहन कैन रन फास्ट. देन नंबर फोर इज द प्यून विल रिंग द बेल. तो क्या होगा? यहां पर भी हम विल का वॉन्ट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में. द प्यून वॉन्ट रिंग द बेल. नंबर फाइव गर्ल्स कैन प्ले दिस गेम. तो यहां पर भी हमने कैन का कांट किया है. यहां पर भी कांट होगा और गर्ल्स कांट प्ले दिस गेम. नंबर सिक्स इज वी शुड ओपन द डोर. तो शुड का भी क्या होगा? शुडंट. हमने यहाँ पर ऑलरेडी शुडंट नेगेटिव फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में किया है तो यहाँ पर भी वी शुडंट ओपन द डोर. देन नंबर सेवन इज आई शैल बाय दिस बुक. तो हमने आगे भी देखा था हमें शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव में क्या लिखना है? आई के साथ शेयर है तो वॉन्ट लिखना है. तो आई वॉन्ट बाय दिस बुक. और नेक्स्ट हमारा एट नंबर का जो लास्ट सेंटेंस है वी शैल गो टू द पार्क. तो यहां पर भी हमें शैल दिया है तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव में क्या करना है? वी वॉन्ट गो टू द पार्क. सो वी हैव कंप्लीटेड हियर अवर लेसन और एक्सरसाइज ऑफ अवर बुक. सो यू हैव टू कॉपी डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश टू नोटबुक. थैंक यू.